स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की ऑफ लाइफ में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स के बाद नेक्स्ट जो बड़ा लेवल है वो है इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, इस वीडियो को अलग अलग बनाने का मकसद ये है क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमने कोशिश की है कि हर हर हेडिंग को या हर हर टॉपिक को सेपरेटली आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि आप उसको ना सिर्फ अच्छे से समझ सकें बल्कि एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकें। इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बेसिकली दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि वो अफजाइश नस्ल के अमल से गुजरते हुए अपने और अपने जैसे दीगर जानदार प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा दे आर असेंबली ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन से एंड ऑर्गन सिस्टम की असेंबली से मिलकर बने हुए होते हैं और तमाम ऑर्गन्स एक कॉम्प्रिहेंड सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा ब्रेन यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में मौजूद जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म एज अ होल वर्क करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेली एक्सरसाइज पे जाते हैं जैसे रनिंग वगैरह या जिम वगैरह, तो आप देखें कि वो हमारे रूटीन से हट के काम होता है। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आप बहुत तेज तेज सांस ले रहे होते हैं। इस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कौन सा सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आपका जवाब होगा शायद स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि उन्हीं की जो हमारे जो मसल्स हैं उन्हीं की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही एक्चुअली हम भाग दौड़ कर सक रहे हैं या एक्सरसाइज कर सक रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके मसल्स जो हैं वो बेसिकली वहाँ पर एनर्जी को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं ताकि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। इस दौरान जो सेल्स हैं उनको मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आती है, तो हम तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद जो हीम एलिमेंट है, आयरन है, वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जहाँ जहाँ हमारे जिस्म के जिस जिस हिस्से में ज़रूरत है पहुँच जाता है। तो यहाँ पे देखें, आपका स्केलेटल सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कहाँ पर कंट्रोल हो रही है, हमारा जो सेंट्रल यूनिट है यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम है, वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक इंडिविजुअल एज अ होल एज अ ऑर्गेनिज्म वर्कआउट करता है और एनवायरनमेंट में होने वाले डिफरेंट चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, जिसमें तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो एक यूनिफाइड मैनर में आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए इन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म के बाद हायरार्की ऑफ लाइफ और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट लेवल है स्पीशीज का। स्पीशी किसे कहते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते हों, यानी कि एक जैसे दिखाई देते हों। इसके अलावा वो पोटेंशली इंटरब्रीड कर सकते हों और अपने जैसे मजीद ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हों। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हों, वो एक स्पीशीज कहलाएंगे। इसको समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं एक डॉग की जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक दूसरे डॉग की एग्जाम्पल लेते हैं जो कि पाकिस्तान में रहता है। रीजनली अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, एंड दे आर अनलाइक टू मीट, बट इफ दे कुड तो दे कैन हैव पपीज टुगेदर, मीन्स वो इंटरब्रीड कर सकते हैं
और अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद डॉग्स एक ही स्पीशी कहलाएंगे। बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स को या उनके ग्रुप को एक स्पीशी कहलाने के लिए इंटरब्रीड करना है और हेल्दी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं, तभी वो ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी कहलाएंगे। पॉपुलेशन बेसिकली एक ही स्पीशी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप है जो किसी एक ही जगह पर एक ही वक्त में इकट्ठे रह रहा हो। इसकी एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स की ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सेंसस की मदद से या मर्दमशुमारी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन कितनी है। इसके अलावा अभी जैसे हम बायोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमारी क्लास में मौजूद 20 स्टूडेंट्स बायोलॉजी की क्लास की पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसके अलावा लाहौर जू में लाइन उनकी पॉपुलेशन या डियर की पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल लें तो राइस, अगर एक फील्ड में डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स हैं और आप राइस की क्रॉप को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे राइस की पॉपुलेशन कितनी है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में राइस के जितने भी प्लांट्स होंगे वो उस फील्ड में राइस की पॉपुलेशन कहलाएगी। ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें जो कि मर्दमशुमारी की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड बल्कि एक कंट्री जैसे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी, एक कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोविंस की जैसे हम सुबह पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब में कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, या पर्टिकुलर सिटी की जैसे लाहौर इस्लामाबाद कि वहाँ पे कितने ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। हम ये कैलकुलेशन एक स्ट्रीट लेवल पे भी कर सकते हैं कि एक मोहल्ले में कितने ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, एक घर के अंदर इंडिविजुअल्स कितने रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स पे की जा सकती है, ब्रॉडर लेवल पे भी और कंसंट्रेटेड लेवल पे भी। कम्युनिटी, एक ही हैबिटेट में रहने वाले डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस वहाँ की कम्युनिटी कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके घर के करीब कोई भी पार्क, वहाँ पे मौजूद एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ की कम्युनिटी कहलाएंगे। कम्युनिटी में मौजूद तमाम जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल इस पार्क में मौजूद प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसीलिए उनको हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। उन प्लांट्स के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह फीड कर रहे होंगे जिनको हम कंज्यूमर कहेंगे। वहाँ पे मौजूद डेड ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरियाज डीकम्पोज कर रहे होंगे जिन्हें हम डीकम्पोजर्स कहेंगे। तो इस तरह कम्युनिटी में मौजूद तमाम इंडिविजुअल्स या स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रही हैं। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन के अंदर तो हमने किसी एक स्पीशी का जिक्र किया था कि एक स्पीशी के एक ही जगह पे एक ही वक्त में मौजूद तमाम इंडिविजुअल्स को वहाँ की पॉपुलेशन कहा जाएगा, जबकि कम्युनिटी पॉपुलेशन से थोड़ी डिफरेंट है। किस तरह से कि इसमें हम डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस को स्टडी करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, तो आप उसका जवाब यही लिखेंगे कि पॉपुलेशन में हम एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स का ग्रुप एक ही जगह एक ही टाइम में मौजूद हो तो उसको स्टडी करते हैं, जबकि कम्युनिटी में एक ही तरह के हैबिटेट में मौजूद डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी नियर बाय लेक की एग्जांपल ले लें जिसमें आप एक्वेटिक कम्युनिटी जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, यानी कि उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पानी के अंदर मौजूद जितने भी स्पीशीज हैं, चाहे वो फ्रॉग्स हैं, वो फिश हैं या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो वहाँ की एक्वेटिक कम्युनिटी कहलाएंगे।